दोस्तों, क्या आपने कभी बैकअप का भी बैकअप प्लान बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो अपने खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार की इस फिल्म को देखकर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और बैकअप का बैकअप प्लान बनाया कैसे जाता है, ये भी आप समझ जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मीता, वेलकम टू फिल्मी मीता। आज हम बात करने वाले हैं बेल बॉटम मूवी की, जो 19 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई है। फिल्म के बारे में आगे बताने से पहले आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जैसा कि आप सभी को मैं बेल बॉटम ट्रेलर रिव्यू वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। कहानी 1984 के चंडीगढ़ से श्रीनगर जा रहे प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। प्लेन की यात्रियों और स्टाफ को सही सलामत वापस लाने की जिम्मेदारी हमारे देश के एक बेहद काबिल सीक्रेट एजेंट को दी जाती है, जिसका कोड नेम बेल बॉटम है। फर्स्ट हाफ में स्टोरी बिल्ड होती जाती है। अक्षय कुमार के कैरेक्टर की फर्स्ट हाफ में पर्सनल लाइफ, इमोशनल लव लाइफ, ये सब दिखाकर स्टोरी बिल्ड की जाती है। यहाँ मूवी उतना इम्पैक्ट नहीं डालती, बीच बीच में आने वाले गाने इसे और स्लो कर देते हैं। वैसे ऐसी फिल्मों में गाने की कोई जरूरत होती नहीं है, पर ये बात बॉलीवुड को कौन समझा। खैर, सेकेंड हाफ में मूवी स्पीड पकड़ती है और दर्शकों में इंटरेस्ट भी जगाती है। कहानी पर असली पकड़ सेकेंड हाफ में ही देखने को मिलता है कि कैसे हाईजैक प्लेन में फंसे लोगों को बचाने के लिए हमारे अक्षय कुमार और उनकी टीम प्लानिंग करती है और फिर क्या होता है, ये सब देखना काफी मजेदार होने वाला है। चलिए इस फिल्म के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुड पॉइंट्स। फर्स्ट, कास्ट में अगर अक्षय कुमार की बात करें तो वो अपने किरदार में 100% फिट हैं। बहुत ही जगहों पर एयरलिफ्ट, बेबी, रुस्तम वाले अक्षय की झलक देखने को मिलती है। शायद अक्षय कुमार इस रोल में इतने परफेक्ट इसीलिए हैं क्योंकि ऐसे रोल वो पहले कई बार प्ले कर चुके हैं। लारा दत्ता के मेकअप की चर्चे तो आपने सुन रखे होंगे, पर यहाँ फिल्म में वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी हैं। वाणी कपूर की एक्टिंग एवरेज है, उनके सीन्स देखकर लगता है कि ये सीन्स बस जल्दी खत्म हो जाएं। वो भी फिल्म में कुछ नहीं कर पाई हैं। बस यही हाल हुमा कुरैशी का भी है, उनका काम भी बस ठीक ठाक सा ही है। आदिल हुसैन काफी अच्छे एक्टर हैं, पर यहाँ उनके लिए भी कुछ ज्यादा करने को नहीं था। यहाँ पूरी फिल्म पर बस अक्षय कुमार का कब्जा है। क्लाइमेक्स, फिल्म का क्लाइमेक्स मुझे पसंद आया। थोड़ा अलग क्लाइमेक्स होने के कारण देखने वालों को काफी मजा आने वाला है। स्क्रीन प्ले, फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी बढ़िया है, उस टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट बैठता है। कई सीन्स देखकर तो आपको लगेगा कि आप उसी समय में चले गए हैं। सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, खासकर दुबई के सीन्स। 1984 के टाइम को दिखाने के लिए कुछ सेट भी यूज किए गए हैं जो कि काफी अच्छे बन पड़े हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक, जैसा कि मैं अपने ट्रेलर वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि फिल्म का BGM बहुत जबरदस्त है, पर ट्रेलर में जिस BGM का यूज किया गया था वो सिर्फ फिल्म की शुरुआत में थोड़ा सा और क्लाइमेक्स में ही सुनने को मिलेगा, ये बात मुझे थोड़ी सी कम पसंद आई। अब आते हैं बैड पॉइंट्स पर। फर्स्ट, सॉन्ग। फिल्म के सॉन्ग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अगर फिल्म में ये सॉन्ग नहीं होते तो भी फिल्म का कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। उल्टा अच्छी खासी फिल्म फ्लो में चलती है और गाने आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारी गाड़ी किसी स्पीड ब्रेकर पर उछल गई हो। सेकंड, VFX की कमजोरी बॉलीवुड की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। अगर इस फिल्म के VFX थोड़ा बेटर होते हैं तो 3D चश्मे से देखने वालों को और ज्यादा मजा आता। थर्ड, विलेन। मुझे इस फिल्म का विलेन उतना जबरदस्त नहीं लगा जितना कि अक्षय कुमार की फिल्म का विलेन होना चाहिए। ये विलेन हीरो की टक्कर का बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो इसे देखकर थोड़ा भी डर नहीं लगा। ओवरऑल ये एक अच्छी फिल्म है, मैं इसे बहुत कमाल की फिल्म नहीं कहूंगी, पर हाँ ये एक अच्छी फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ थिएटर में देख सकते हैं। मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार दूंगी। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।